हमारी शादी को 38 इयर्स हो गए और 37 इयर्स से हम लोग सेम ड्रेसिंग कर रहे हैं। एक साल हम लोगों ने सोचने में गुजारा कि कोई ऐसा काम करें जो ना पहले कभी किसी ने किया हो और ना आइंदा को कर सके, लेकिन अब हमारी ख्वाहिश है कि आइंदा करें, हम लोगों को फॉलो करें और इस तरह का काम करें। डिसाइड जब हम लोगों ने किया तो उसके बाद फिर कपड़ों का मरहला आया कि कपड़े एक जैसे हों तो कपड़ा भी ऐसा हो जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों को अच्छा लगे। तो सेम ड्रेसिंग में हम लोगों को थोड़ा मसला होता है कलर्स का, कपड़ा चूज़ करने का, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का। तो दोनों मिलके करते हैं, शॉपिंग भी मिलके करते हैं, और एम्ब्रॉयडरी में ये होता है कि डिज़ाइनिंग मैं कर लेती हूँ तो समटाइम मुझे जब समझ नहीं आती तो फिर नासिर साहब मेरी हेल्प करते हैं, तो इस तरह हम मिलके अपने कपड़े डिज़ाइन करते हैं। हमारा लिबास एक दुनिया के लिए मैसेज है, दुनिया के लिए अमन का पैगाम है, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, और उनमें कुछ नेगेटिव लोग भी हैं जो मतलब हम लोगों को देख के तो ज़रा हंसते हुए पास से गुजरते हैं तो हम लोग रुक जाते हैं, तो उसे फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे, तो वो थोड़ा शर्मिंदा से हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें देख के ऐसा लगा था, हमने कभी देखा नहीं कि इस तरह मियाँ बीवी सेम ड्रेसिंग करते हैं, तो इस वजह से, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए जब इस तरह लोग हम लोगों को नेगेटिव जो है वो रिस्पांस नहीं देंगे तो पॉजिटिव कैसे अच्छा होगा। बाकी जैसे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वैसे तो बच्चों का किसी का भी नहीं, ना जहन है ना कोई उनमें कोई इस तरह का आइडिया है, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन नहीं था तब, ये तो अब आया, अब लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा वीडियो वायरल्स होती हैं और उससे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। हमें देख के लोग दुआएं देते हैं, हम उनको दुआएं देते हैं, बल्कि हमारे लिबास की वजह से लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हम लोग ऐसे ही हैं, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरी कोई सहेली नहीं है, मेरे लिए यही सारा है और इनका भी यही हाल है, तो कोई बात हो तो आपस में हम लोग शेयर करते हैं, मेरे पास कोई बात हो मैं इनसे करती हूँ, इनके पास हो मेरे से करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं छुपाते। हमारा मैसेज होता है कि बात ना छुपाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, इसी में सब कुछ आ जाता है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसको प्यार मोहब्बत से गुजारें, वो लाजमी नहीं कपल ही हों, बहन भाई हों, मियाँ बीवी हों, माँ बाप हैं, उनसे प्यार करें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलनी है, बार बार थोड़ी मिलनी है।